ये संदेश पहुंचाएंगे नुक्कड़ नाटक द्वारा कि नशा को छोड़ दिया जाए, नशा ना किया जाए, क्योंकि नशे की लत बहुत बुरी होती है। अगर एक बार इंसान को या किसी भी लिविंग थिंग को अगर नशे की लत लग जाए तो फिर वह उसे बाद में छोड़ नहीं सकता, उसे उसकी बहुत ज़्यादा तलब लगने लग जाती है और ये उनके शरीर के लिए भी हानिकारक है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आज रैली निकाली जाएगी पूरे शहर में, इसलिए कि सब मतलब लोग नशा ना करें। अलाहाबाद के सभी निवासियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग एक जागरूक रैली निकाल रहे हैं सतलुज स्कूल की तरफ से नशाबंदी के ऊपर, जिसमें हमने 7 दिनों से सारी नशाबंदी टीम हमारे संग है और एनसीपी की पूरी टीम हमारे साथ। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं, मैं हूँ एलडी स्वामी राज। इलाहाबाद के जो स्कूल है सतलुज पब्लिक स्कूल, इन्होंने स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने आज नशे के प्रति जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें विशेष सहयोग जो है एनसीपी का रहा है। इनमें सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार जो एनसीपी जिला सिरसा के जो इंचार्ज हैं और वो इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं, और सतलुज स्कूल के विद्यार्थी जो हैं इस शानदार झांकी के साथ मेन बाजार उधम सिंह चौक से होते हुए बस स्टैंड तक पहुँचेगी और ये नशे के प्रति जागरूक रैली जो है ये सतलुज स्कूल सतलुज पब्लिक स्कूल जो है उनके जो बच्चे हैं वो निकाल रहे हैं। और इस रैली की जो देख रेख है वो स्कूल की डायरेक्टर राजरानी गोयल की जो देख रेख के अंदर ये रैली जो चल रही है और इसकी अध्यक्षता जो है एनसीपी कर रही है, एनसीपी का पूरा इसमें सहयोग है और ये बहुत बड़ी पहल साबित होगी। नशे के खिलाफ जो जंग है एनसीपी की वो स्कूली बच्चों के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए इस तरह की रैली निकाल रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से बच्चे साजो सजा के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको हम एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं और बच्चों के जो चेहरे हैं वो खिलखिलाए हुए हैं। समाज को जागरूक करने का बीड़ा जो सतलुज स्कूल ने उठाया है नशे के प्रति, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और एनसीपी की जो टीम है राकेश सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने जो है पूरे शहर से पूरे स्कूल के अन्य स्कूलों से भी अपील की है कि वो अपने स्कूल स्तर पर जो है इस तरह से आयोजन करके जो है नशे के खिलाफ समाज को जागरूक करें, ताकि ये जो नशे जैसी बीमारी है ये गंभीर समस्या है इससे निजात पा सके और आने वाला जो भविष्य है वो बचाया जा सके। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे थे, उसके बाद आप सतलुज पब्लिक स्कूल की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राजरानी गोयल उनको भी सुनेंगे, बाकी जो टीम के सदस्य हैं वो क्या कहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप तस्वीरें देखें कितने शानदार तरीके से बच्चे जो है इस रैली के अंदर हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। और इस दृश्य के साथ साथ जो बड़ी बात ये है कि नशे के प्रति जो समाज को जागरूक करने का जो काम किया जा रहा है ये वाकई में ही बहुत बड़ी बात है। हम आपको बाकी दलकियां भी दिखाएंगे सतलुज स्कूल की। इलाहाबाद के सभी निवासियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग एक जागरूक रैली निकाल रहे हैं सतलुज स्कूल की तरफ से नशाबंदी के ऊपर, जिसमें हमने 7 दिनों से सारी नशाबंदी टीम हमारे संग है और एनसीपी की पूरी टीम हमारे साथ है, जिस बच्चों ने उसके ऊपर नुक्कड़ नाटक कर कर के लोगों को नशा नहीं लेने के लिए जागरूक किया है। और कल हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, मैं चाहती हूँ आप लोग सभी कोई आए। नमस्कार। दिल्ली टिब्बी चौक से पूरा बाजार क्रॉस करते हुए मुख्य बाजार क्रॉस करते हुए बस स्टैंड तक जाएगी। रैली का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता पैदा करना, ताकि नशा का जो ये रुझान चल रहा है ये यूथ इसमें से हटे और अपने पॉजिटिव एनर्जी यूथ को हम पास ऑन कर सकें। एनसीपी की पूरी टीम का इसमें बहुत सहयोग रहा है, 7 दिन से हमने गांव-गांव में जाके नुक्कड़ नाटक किए हैं ताकि लोगों में वो जागरूकता पैदा कर सकें। एनसीपी चीफ जो हैं मिस्टर यादव, उनका बहुत सपोर्ट रहा, उनकी टीम हमेशा हमारे साथ रही है और आज भी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है सिरसा से। गंभीरता सब इसमें तो कुछ बताने जैसा है नहीं कि कितना गंभीर है ये, क्योंकि जो यूथ जो कल हमारा भविष्य है वही आज खत्म हो रहा है, तो गंभीर तो इससे ज्यादा गंभीर और क्या हो। माध्यम से हमारे एनसीपी टीम श्री एडीजीपी श्रीकांत जाधव के नेतृत्व में एक हफ्ता से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम नागरिक और सभी जो इस नशा में ग्रस्त लोगों को जागरूक करने के लिए एक सफल रैली का आयोजन किया है, जो अपने टिब्बी बस स्टैंड से और मेन बस स्टैंड
इलाहाबाद तक निकाली जाएगी। और हमारी यही अपील है कि इस रैली के माध्यम से ज़्यादा लोग हमारे टोल फ्री नंबर से संपर्क करके 90-598-508 पर संपर्क करके हमें इस कारोबार का धंधा करने वालों की गुप्त सूचना दें ताकि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगा सकें। हाँ, अभी साल में ये पहला प्रोग्राम इलाहाबाद से ही शुरू है और पूरे साल हमारा यही प्रयास रहेगा अभी हर शहर कस्बा में हम ये रैली के माध्यम से आम लोगों को जागरूक कर सकें। जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया कि हम पिछले एक सप्ताह से सतलुज पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर जो नुक्कड़ सभाओं के द्वारा गांव-गांव में नशों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे थे, श्री श्रीकांत जाघव जी जो हमारे प्रमुख हैं उनकी यही सोच है कि लोगों के बीच जाकर इनके बारे में जो है जागरूकता की जाए, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। जाघव साहब इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और उनके नेतृत्व में हम पूरी हरियाणा NCB जो है और हमारी सिरसा टीम है वो सभी दिन और रात इसके साथ लगे हुए हैं और हम सतलुज पब्लिक जैसे स्कूलों का जो है एक बार फिर आह्वान करते हैं कि सभी स्कूल और सभी संस्थाएं जो है ऐसे कार्यक्रमों और अभियानों के साथ जुड़े ताकि हम उसका लोगों तक एक संदेश, एक पॉजिटिव संदेश लोगों तक पहुंचा सकें। और हम जो है जो हमारे DG साहब की सोच है नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त देश, उस सोच को हम साकार कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।